तो गाइज ये रहा हमारे पास डबल शाफ्ट का गियर मोटर। ये गियर मोटर बहुत ही पावरफुल है, इसे हम कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं ज्वाइंट। इसी प्रकार हम दूसरे तरफ भी कर लेते हैं। दोस्तों फाइनली देख सकते हैं आप हमारे डीसी मोटर में वायर सोल्डिंग हो चुके हैं। अब हम लगाते हैं एक रिमोट कंट्रोल मशीन। तो ये रहा हमारा रिमोट कंट्रोल मशीन, इसमें हमारा बैटरी कनेक्ट हो जाएगा और इस वायर से हमारा डीसी मोटर कनेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे ग्लू की मदद से फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों अपने डीसी मोटर का वायर कनेक्शन करते समय थोड़ा बातों का ध्यान रखना, इसका ये वाला रेड वाला प्लस है और इसका ये ब्लू वाला प्लस है, तो दोनों वायर प्लस प्लस का ही होना चाहिए। देख सकते हैं हमारा रिमोट कंट्रोल और डीसी मोटर के वायर एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं। गाइज ये रहा हमारा 3.7 वोल्ट का बैटरी, ये 2600 mAh का बैटरी बहुत ही पावरफुल बैटरी है। इसे हम यहाँ पे ग्लू की मदद से फिट कर लेते हैं। तो गाइज फाइनली आप देख सकते हैं हमारा बैटरी, रिमोट कंट्रोल मशीन सब कुछ लग के रेडी हो चुका है। अब लगाते हैं हम इसमें अपने पहिए। तो ये रहा हमारा पीछे का पहिया। और ये हमारे आगे की व्हील। कंट्रोल तो ये है हमारा रिमोट कंट्रोल, इसमें हम लगाते हैं 3A टाइप के डबल बैटरी। दोस्तों ये हमारा पावरफुल ट्रैक्टर किचन में चलने के लिए रेडी है। आप देख सकते हैं ये हमारा 4x4 ट्रैक्टर बनकर रेडी हो चुका है। ये बहुत ही पावरफुल ट्रैक्टर बन चुका है गाइस। चल गया, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों आप देख सकते हैं क्या जबरदस्त लुक आ रहा है इसका, ये तो बहुत ही बिंदास लग रहा है देखने में।